हाँ जी, तीसरी दफा वही शर्ट, वही लोकेशन, वही डब्बे डीप कूल के, और वही लोकेशन। वीडियो का टॉपिक भी तो वही है, गेमिंग बिल्ड। 80K से 120K गेमिंग बिल्ड के ऊपर वीडियो है, उधर ही MS कंप्यूटर, वही वही सब कुछ वही है। तो परेशान नहीं हो ना, लेट्स गो टू द वीडियो। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नुमान खालिद है। फिर से तीसरी दफ़ा हम सेम लोकेशन पे आ चुके हैं और सेम टॉपिक को लेके। तो आज की वीडियो में हम बिल्ड आपको बताएंगे एक न्यू चीज़ों की बिल्ड, वारंटी में चीज़ें न्यू। ये राइजन बिल्ड है, राइजन 3500X, बहुत ही अच्छी प्रोसेसर के साथ, बहुत ही हैवी प्रोसेसर है। राइजन 2600 से तकरीबन 10% बेहतर है। मदरबोर्ड हमने बजट मदरबोर्ड लगाया, क्योंकि अगर अच्छा मदरबोर्ड लगाते तो बजट ऊपर चला जाता। आप अच्छा लगवा सकते हैं अगर आपका बजट ज़्यादा है। रैम शैम सब कुछ 16 GB रैम के साथ हमने इसको किया है। 80,000 में विदाउट GPU होगी, आई थिंक 70-80,000 में। लेकिन अगर आपने GPU 1650s में लगा लेते हैं, तकरीबन 1,25,000 के अंदर बहुत ही अच्छी बिल्ड आपकी बन जाएगी। बिल्ड में ऊपर नीचे सब कुछ आप कर सकेंगे, लेकिन आपको सीधी सीधी बिल्ड की तरफ ही लेके चलते हैं। तो लेट्स गो टू द मेन वीडियो। तो क्या हाल है फैसल भाई? ठीक है, ठीक है। और मुझे आप ये बताएं कि इस बिल्ड में सारी चीज़ें न्यू हैं जी? वारंटी में है सिर्फ 1 TB के अलावा। 1 TB भी न्यू ले सकते हैं, लेकिन ये हमने यूज़ लगाई है बजट को क्लोज करने के लिए। तो सबसे पहले हम, अच्छा आपने जो 79,000 लगाया वो कितने GB रैम के साथ? 16 GB के साथ। 16 के साथ है। चलें मैं चीज़ें आपको बता देता हूँ। ये एक राइजन बिल्ड है 3500X के साथ, 6 कोर 12 थ्रेड का प्रोसेसर है। राइजन 2600 से गेमिंग में कह लें 10% बेटर है, लेकिन एडिटिंग में काफ़ी बेटर है, 20-25% बेटर प्रोसेसर है। राइजन 2600 आजकल मार्केट में मिल रहा है 23,000 का, और ये तकरीबन 24,500 की हमने चिप लगाई है। ठीक है, ये राइजन 3500X बड़ा अच्छा प्रोसेसर है। इसके साथ आपको 128 SSD मिल जाएगी न्यू। ये सब कुछ वारंटी में, तकरीबन 1 साल वारंटी है सब की, तकरीबन 2 मंथ की होती है, क्योंकि इसकी आती नहीं है। राइजन की वारंटी ना भी हो तो टेंशन नहीं है, क्योंकि ये इसको कुछ भी नहीं होता। वैसे 2 महीने इसकी भी आपको मिलेगी। फिर A320 मदरबोर्ड, इसकी खास बात यह है कि ये बहुत ही बजट प्रो मदरबोर्ड है, 11,500 के मेरे ख्याल से, और इसमें NVMe लग जाती है। NVMe सपोर्ट नहीं होता हर मदरबोर्ड में, इसमें डायरेक्ट लगती है। मैं ओपन करके ये दिखा देता हूँ आपको, ये ज़रा क्लोजअप खोल लें हम इसको। जी जी। तो गैज़ ये मदरबोर्ड है, और मदरबोर्ड ब्लैक कलर में है, देखने में लुक भी इतनी बुरी नहीं है। NVMe लग जाती है इसमें, यहाँ पे 2 RAM की स्लॉट्स हैं, और ये राइजन 3500X के लिए ठीक मदरबोर्ड है। ठीक है, पावर फैक्टर थोड़े लूज़ होते हैं, बट बजट प्रोसेसर मदरबोर्ड है तो उस हिसाब से अच्छा है। 8 पिन इसमें पावर जा रही है, तो मतलब पावर अच्छी ले रहा है। खैर, ये ऑल ओवर मदरबोर्ड है। पीछे 3.0 वगैरह आप HDMI वगैरह आपको मिल जाती है, सब कुछ सारा कुछ सपोर्ट करता है। ठीक है, फिर आ जाती है लग्जर की रैम, 3200 MHz। ये ब्लैक PCB में, ये ब्लैक PCB, ब्लैक PCB में 3200 MHz की रैम है, बहुत अच्छी रैम है लेग्जर की, और बजट में है। तकरीबन कितने की एक है ये? केटर, ये 7000 की, 7000 रुपये की एक है। ये भी थोड़ी सी महंगी हुई है, पहले ये हाल से 6 की थी, 65 में थी, अब 7 की होगी। 3200 MHz है, तो ये रैम भी अच्छी है, क्योंकि 3500X के साथ एटलीस्ट 3200 MHz रैम होनी चाहिए। फिर आ जाती है 1 TB, ये 4000 की हमने लगाई है, लेकिन इसमें आप न्यू लेंगे तो वो कितने की है? तकरीबन 7000 किया, तो मुझे नहीं लगता ये आपको न्यू लेनी चाहिए, ये यूज्ड ही ले लें। 100% हेल्थ के साथ है, तो आपका अच्छा बजट बजट कंट्रोल हो जाता है। ये एनटेक का कितने का? ये 5000 का। ये आपने 5000 का लगाया? 5000 रुपये का इन्होंने कूलर लगाया है, और ये RGB कॉपर के साथ। तो गाइज ये 4 पाइप के साथ है, और कॉपर के पाइप के साथ बड़ा अच्छा कूलर है एनटेक का। और ये कूलर मास्टर का क्या मॉडल था हमजा? MA410P से अच्छा परफॉर्म करेगा, और ये कूलर 5000 में बहुत ही बजट कूलर है, और ये राइजन 3600 तक को भी 60-65 से ऊपर नहीं जाने देता। तो ये बहुत फिट कूलर है, हमने ये लगाया है, क्योंकि कूलिंग नहीं है तो कुछ नहीं है। फिर आ जाती है एनटेक की 550W 80+ सप्लाई। ये सप्लाई भी बहुत अच्छी है आपकी, थंडर वंडर या दो कुछ लोकल सप्लाईज हैं उनसे बहुत अच्छी सप्लाई है। और ये कितने की है? ये 75 में, 7500 रुपये में सप्लाई है, और इतनी प्राइस में वैल्यू के हिसाब से बहुत। और एक और ऑप्शन है,
आप अगर यूज सप्लाई लगवा लेते हैं वो तकरीबन 3-4 हज़ार में लगेगी, यहाँ से भी 4 हज़ार आप बचा सकते हैं, लेकिन हमने नहीं बचाया क्योंकि सप्लाई के ऊपर कंप्रोमाइज़ नहीं करते। फाइनल में आ जाती है सबसे बजट थंडर की केसिंग, थंडर पंख, RGB 3 फैन इसके साथ हैं, और ये यहाँ से टेम्पर्ड ग्लास है, यहाँ से भी टेम्पर्ड ग्लास है, थोड़े से आपके शशके भी पूरे हो जाएंगे, USB 3.0, 3.0, 2.0, और इसके अलावा ऊपर मैश है, इसके मैश है, रीसेट के बटन से आप इसके कंट्रोल कर सकते हैं, ये LED का बटन है, आप इसकी लाइटें कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। और एक 240 ml का लिक्विड कूलर भी आई थिंक इसमें लग जाएगा, और नीचे हुड बना हुआ है सप्लाई का, मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ। बड़ा अच्छा ये केस है अपने प्राइस रेंज में, तकरीबन 8,500 रुपये का केस है, और 8,500 के हिसाब से कुछ भी नहीं है। नीचे हुड बना हुआ है सप्लाई का, बैक पे ATX मदरबोर्ड की जगह है, और बहुत ही फिट किस्म का ये केस है। तो सारी चीज़ें जो आपको दिखाई हैं, तकरीबन 79,000 का ये PC बिल्ड है विदाउट GPU, और अगर आपने GPU लगाना है तो मैं रिकमेंड करूँगा अभी के लिए आप 1650 लगा लें, इस बिल्ड के हिसाब से बहुत अच्छा GPU है। ठीक है, मुझे पता है वो GPU इतना पावरफुल नहीं है, लेकिन आपकी आजकल की गेम सारी चलाएगा। तो 1650 आप कितने का दे रहे हैं न्यू, एक साल वारंटी वाला? 45,000 में एक साल वारंटी, लोकल वारंटी, बिल्कुल न्यू GPU है। आप पड़ा हुआ है तो दिखा दें, वो पड़ा हुआ है। तो गैस ये GPU है, अगर आप ये लगा लेते हैं तो इसकी प्राइस बन जाएगी 1,24,000 रुपये, और 1,24,000 में ये बिल्ड अभी के हिसाब से बहुत बेस्ट है। टाइम डेट देखा करें, डेट के हिसाब से आगे पीछे होगा, लेकिन अगर आप होल्ड कर सकते हैं तो GPU के लिए थोड़ा होल्ड कर लें ईद के बाद तक। फैसल भाई का भी कहना है कि कुछ चांसेस हैं शायद यही 40 पे आ जाए, तो अगर 5-6 हज़ार का फ़र्क नहीं है आपको तो आप अभी भी ले सकते हैं। अभी भी ये नीचे आया है भाई, ये 55 का सेल हो रहा था। तो अगर आपने बिल्ड लेनी है विदाउट GPU 79,000, वन ऑफ द बेस्ट बजट हाई मिड रेंज गेमिंग PCs को बोल सकते हैं, और अगर विद GPU लेते हैं तो 1,24,000 ऑनलाइन डिलीवर कर देंगे ऑल ओवर पाकिस्तान, लेकिन एडवांस पेमेंट आपने देनी है विद शिपिंग सारी। इनको ट्रस्टेड हैं बहुत ज़्यादा, मौलवी साहब कोई दो नंबरी नहीं करेंगे आपके साथ, मौलवी साहब शक्ल से बहुत शरीफ लगते हैं, वैसे पुराने हैं, वैसे भी हम वैसे बहुत पुराने हैं, शरीफ बंदे हैं मेरी तरह, मैं भी बहुत शरीफ हूँ। तो गाइज बिल्ड की डिटेल्स आपको बता दी हैं, अगर आपको इसमें कुछ ऊंच नहीं लगता है कि हमने गलत कर दिया तो कमेंट में बता दें, ये नहीं यूं नहीं यूं कर सकते हैं, लेकिन बजट को खास कर आपने माइंड में रखना है। अक्सर लोग बजट को माइंड में रखते नहीं और अपनी फनकारी मार देते हैं, वो चीज़ भी गलत है। तो इसमें थोड़ी बत्तियां शत्तियां भी हमने लगाई हैं, विदाउट बत्तियां बिल्ड भी नहीं थी, तो मेरी तरफ से इस बजट में ये बिल्ड बनती है। लेकिन हाँ, मदरबोर्ड अच्छा लगवाना चाहिए, कुछ चीज़ें हैं वो अच्छी लगवानी चाहिए, सप्लाई पे हमने कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया, सप्लाई अच्छी लगी हुई है, लेकिन आप इसी में अगर यूज़ सप्लाई कर लें, कुछ चीज़ें यूज़ कर लें, तो ये बिल्ड और सस्ती भी बन जाएगी। थोड़ा अपना दिमाग भी इस्तेमाल किया करें ना, इस वाले को क्या नीलाम करना है, इसको इस्तेमाल नहीं करना, भूसा तो नहीं है ना, थोड़ा सा दिमाग है उसको भी इस्तेमाल करें, बिल्ड में थोड़ी चेंजिंग करें, अपनी मर्जी से बिल्ड क्रिएट करवा लें। स्पेशल डिस्काउंट मिलेगा फ्रॉम MS कंप्यूटर, तो अगर आपने ये बिल्ड बाय करनी है तो कॉन्टैक्ट करें मोहसिन भाई, फैसल भाई को, यहाँ पे डिटेल्स होंगी, उनसे बात कर लें कि जैसे भी डील बनती है उनको बताएं हम डड्डू चार्जर की वीडियो से आए हैं। तो बस भाई, बस आज के वीडियो में इतना काफ़ी, आए जुबान आ गई यार दांत के नीचे। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ओके, टाटा बाय बाय, गुड नाइट, अल्लाह हाफिज। Okay, thank you.